विचार कियो भूतों ने द्वारा लायड़ी मिठाई, अगर आ मिठाई खाऊं तो खाया कर्म धर्म सब जासी और बुद्धि भ्रष्ट हो जासी। भूतोरी लायड़ी मिठाई खाऊं बुद्धि और खराब हो जाए, कर्म धर्म सब खत्म हो जाए। पचे बीच में विचार कियो कि नहीं खाया मन में रह जासी, एक रोज एक हासी, नहीं खाऊं तो मन में रह जाए ऐसा लाडू ऐसी बर्फी, आहा मिठाइयां ला रह जाए, कदे खाऊं नो कौम पड़ी। अब विचार करे खाऊं कि नहीं खाऊं, एक रोज एक हासी, यानी एक तरफ तो रोणो आवे एक तरफ हसो भी आवे, करूं कहीं। उन्हीं समय नरसिंह जी कहो महाराज आओ, इतनी देरों कह रिया भूखो मरू भूखो मरू भूखो मरू, हमें जीमो भोजन करो। कोकलियो जी विचार कियो अबे मर जाओ तो नहीं तो ही मर जाओ, मरनो तो है ही, हाथ बारे तो हो ही, हमें नहीं मरो दो साल पछे मरो, कम कम मरो तो ओ तो है कि खा पीन मरिया, भूखो मरता तो कोनी मरिया, जी में मरो तो कोई बात नहीं, खाएन मरो तो ठीक है, नहीं खान मरो तो भूखा मरता मर जाओ, कोई जो देखी जाए कम से कम मिठाई तो जीमा। अब बैठा भोजन करने वास्ते, जो ही भोजन करने वास्ते बैठा है देवांगनाएं आई और कोकलियो जी ने गाली गा रही है, ब्याई जी आवे नहीं जन गाली गाया करे सगिया, तो सगिया तट देवांगना है नरसी जी तरफ से गाली गा रही, कहीं कह रही है जोशी जी भला थे पधारिया के मारा मन रारे कारज सारा, जोशी जी भला रे पधारिया मारा मन रारे कारज सारा, ऊट सा लटके ताकी ताड़ खड़ा खड़ खटके, ताका होटे ऊट सा लटके, जोशी जी थे भला वो पधारा मारा नारे कार सारा, जोशी जी भला रे पधारा मारा मंदिरा कार सारा, मारो नाक मीन को जैसो रे ताको नाक मीन को जैसो, जानो अंग यारणो जैसो ताको नाक मीन को जैसो, जानो संग यारणो भैसो, जीरे मनरे पधारा मारा मनरे कारज सारा, जोशी जी भलारे पधारा मारा मंदिरा कारज सारा, जोशी
क्यों हो रही है, क्यों हमी हो रही है। देवांगनाएं कोकलियो जी ने गाली गान कह रही है, जोशी जी भला पधार्या मारा मनरा कारज सार्या। अब जोशी जी ने आग्रह करिए, मनवार करी, कहीं कह रही है, छे जी मो जोशी जी राजा शीरो खीर खांड ने खाजा। आप हलवो जी मो, खीर जी मो, खाजा जी मो, बाद में थाका मोटा दांत अगारी, जाने देख डरे नर नारी। जवानी में आदमी रा दांत यानी बिल्कुल बत्ती सी फूट रही होया करे, बुढ़ापे में कहीं है चौके वाला अगला दांत है वे तो पड़ जा, ए जका दांत है वे ए गेते वेजो यूं रे, नहीं समझिया बे, थोड़ा बूंदा लग गया करे, कोजा लागे तो वो कटाक्ष करिए, क्योंकि जोशी जी ए दांत हैंग पड़ियोड़ा हाग लाग ला सब। हाँ, थारी दाढ़ खड़ाकड़ खटके, बुढ़ापे में दाढ़ा हिल जानी और दाढ़ा री बढ़ भी जा तो आपस में टकरी जे, तो भोजन खा रहे ना बूढ़ो आदमी जिकर दाढ़ा नहीं पड़ी कड़ बोल भो करे, थारी दाढ़ खड़ाकड़ खटके और थारा होट ऊंट सा लटके। ऊंट सा की कर, ऊंट रो होट देखियो, आपका ऊंट ने देखियो, ऊंट रो होट ने यूं रहया करे, और यूं क्यों है, जोशी जी होट क्यों लटक रही हो, ए जो लोग जर्दो खाया करे नहीं महाराज, वे जवानी में जर्दो खावे उन टाइम तो हूं आज जबान अट चिपकाई रखे आ होठ दांत रे, लेकिन बूढ़ा पे जाते वो पछे मतलब ताकत तो रहे को नहीं, कारण होठ चिपकना बंद न जब जोड़े। होठ लटकनो हरू जा, होठ लटके जो को तो लटके पछे शरीर माते कंट्रोल रहे को नहीं, ने एक अटे ना हूं एक अटे ना है है है। एक ब्यास जी कहीं जर्दो खावता कथा वाचक हा, पर कोई आदत पड़ जा जर्दो खाता, जर्दो खावन वाले री ऐसी लत वे महाराज के जर्दो खाए भी न रही जी को, जर्दो खाता जवानी में जड़ तक तो ठीक है, अट दबा देता कथा काबू करता, वह दबीड़ रहता और काबू करता, लेकिन जो जो उम्र बीती तो कथा में तो निखार आयो पर जर्देरी आदत छूटे नहीं, अब जर्दो खावे तो होट लटकनो शुरू हो। महाराज बोले पण अटिनो भी अटिनो लारा पड़े। अब जका श्रोता गण है जका भावुक हा, शिष्य गणा वे तो के गुरु जी लाड़ो पड़ो चाहे थूक पड़ो गुरु जी है कहीं कह नहीं, पर जो पहली बार आदमी आई वो बैठो बैठो विचार करे, पड़ोस वाले ने कहे कि महाराज कथा तो बढ़िया कहे पण महाराज रे लारा पड़ रही है, ओ की तरीको, महाराज सुन लियो कि ओ हो ए लोग मारी निंदा कर रिया है, मारी हंसी कर रिया। महाराज कह देखो भाई, ये जो वक्ता लोग होते ना जो कथा गाते हैं जो संत लोग, उनके मुख से इधर से गंगा और इधर से यमुना बहती है, गंगा और यमुना बहती है। एक भाई कोई गांव रो सीधो साधो आदमी बैठो बोके महाराज थे बैठा रहे, जो उठ जो मती में पाचो आऊं, बहुत दौड़ गयो 15 मिनट वापस आयो सीधो ऊपर व्यासपीठ करने आन के महाराज मुंडो खोलो। महाराज के क्या बात है, अरे आप मुंह तो खोलो। महाराज के कर कह रहा हूं, अरे खोलो मुंडो पकड़ियो हाथ मुट्टी मुंडे रमाते क्यों नीचे गिटक जाओ। महाराज जैसे तैसे कर गिटकिया, कह रे भाई थे खिलायो कहीं है, बोके महाराज आपरा गुण नहीं भूलू जीवन भर थे मारे माते बड़ो उपकार कियो,
महाराज के तो कियो कहीं, वो केवन लागो देखो बाप जी, मारो बाप, मारो दादो, मारो पड़दादो, मारे बाप रो मोटो भाई, मारे दादे रा तीन भाई, कमो कमो 10 जनो रा आडका पड़िया खेजड़ी रे मोय। मारो तो बाप जी पया है कोनी, जाऊ की कर हरिद्वार। अब थे कह रिया हो के संत रे मोय गंगा ने जमुना बेवजन में देखियो, डोकरों ने तो ठोणे गालो। अब लारे खाली भंडारो ही करनो पड़ी, गंगा प्रसादी कर दे बडेरा तो क्या गंगा जी रे मोय। महाराज के हट हड्डिये खिला दी बेईमान। तो के बाप जी आप ही तो को गंगा यमुना बेवे हटी ने हटी है। जर्दो खावणसु महाराज होट लटक रियो है, तो वे यही कह रही है दे देवांगना के थारी दाढ़ खड़ाकड़ खटके और थाका होट ऊंट सा लटके, कि जोशी जी आंखियां काटे डाकण सा डोला फाड़े। जोशी जी चढ़ू करे से जा सिंह डकार भरे थे, और मोचन पान दिलाओ के जोशी जी रा होठ रंगाओ, पान खिलायो आचमन करवायो और सब संतों ने भोजन करवायो। पर जिन समय भोजन करन बैठा जोशी जी, इतो भोजन कियो महाराज, इतो भोजन कियो, आहा लोग जीमन वाला हमें तो कटे जीमे सा, अब तो जीमनो कोई है ही को नहीं। भोजन करता पहले लोग, सासू जी आंगने में खड़ी बहू ने के, अरे बीनणी बहू के कहीं मम्मी जी कहीं, अरे जल्दी कर मोचो बिछा यानी खाट बिछा। क्यों कहियो के थारा ससुरु जी आवन वाला है। क्यों के आवते ही वो ने कहीं दिखे कोनी जीमन गोड़ा जको, आवते ही मोचेर माथे दड़ देनी पड़ी। तीन दिन ऊंचा उठी बिरनी के तो पच कहीं जीमन गया। हासू के तो यो है हासू जी, खुसरो जी जीमन आन पछे मोचे माथे बड़े तो कहीं जीमिया। मारो मारो बाप तो जीमन ने जवे नहीं, जने मोचे माथे गाल ने जी लोग घरे लाया करे। देरानी के वाप बेबी सा वाजन पछे थोरे पिताजी कहीं जीमे न कहीं खुसरो जी जीमे। जेठानी के तो यहाँ है बाबी जी, मारो बाप एक बार ही जीमन गयो और ऐसो जीमियों के घर को लाने सीधा मसोनो में जिलेगा। आ भोजन हमारा लोग इतो खाता। जोशी जी खायो सो तो खायो, विचार कियो काले आगे जाऊं रस्ते में कहीं चाहिए जी, जो खाने जो थेलो होनी भी मैं लाडू भर दिया और ऐसो खायो पानी पियो नहीं। और अब जो ही थोड़ी देर हुई अब पेट फाटन लागो। कवि लिखे, अरे लुटपुट करे धरण पर लोटे, अरे बोले बचने अकारा के अजर अन्न भोजन करवायो जासी प्राण हमारा। अरे अजर अन्न भोजन करवायो जासी प्राण हमारा। अरे अजर अन्न भोजन करवायो जासी प्राण हमारा। अरे अजर अन्न भोजन करवायो जासी प्राण हमारा। बनारसी लो सुन जोशी जी कृष्ण नाम चित दीजे, बनारसी लो सुन जोशी जी कृष्ण नाम चित दीजे। आसन मारे अडिंग होये बैठे भजन बंदगी कीजे। अरे आसन मारे अडिग होई बैठो भजन बंदगी कीजे। के कोकलियो सुन नरसी जी टाबरिया रुड़ जासी, कोकलियो सुन नरसी जी टाबरिया रुड़ जासी। बूढ़ी नार बिबो घर माही कुण रे कुण कमासे। अरे बूढ़ी नार बिबो घर माही कुण रे कौन कमासे। बूढ़ी नार बिबो घर माही रे कुण कमासे। अरे बूटी नार बिबो घर माही कुण रे कौन कमासे। कोटी दशा करम रो पैरियो हूँ तारे घर आयो, कोटी दशा करम रो पैरियो हूँ तारे घर आयो।
भाग संजोग मिली विधिए से अजर अन्न मुख पायो। अरे भाग संजोग विधि मिलिए से अजर अन्न चल पायो। भाग संजोग विधि मिलिए से अजर अन्न मुख पायो। अरे भाग संजोग विधि मिलिए से अजर अन्न मुख पायो। बिगड़ो लोक परलोक अदम गत भ्रष्ट कियो रे भाई। लोक पर लोक अदम गति भ्रष्ट किया रे भाई। भूख खदेड़ मंगाय मिठाई ते मुइया न खवाई। अरे भूत खदेड़ मंगाई मिठाई ते मुइया न खवाई। ये भूत खदेड़ मंगाय मिठाई ते मुइया न खवाई। अरे भूत खदेड़ मंगाई मिठाई ते मुइया न खवाई। भगत वसल बसल हरि सारे सबका। भगत बसल हरि सारे सबका। नानी बैरे माहेरा रे सांवरिया नैना। नानी बैरे माहेरा रे सांवरिया नैना। ए नानी बैरे माहेरा रे कानूड़ा नैना। नानी बैरे माहेरा रे कानूड़ा नैना। श्याम जी ने लाज। जय जय नारायण हरि। जय जय नारायण हरि। लुटपुट करे धरण पर लोटे बोले वचन आकारा। अब महाराज धरती ऊपर लटपट लटपट कर रिया है। नरसिंह जी ने कहे अरे नरसिंह जी अजर अन्न भोजन करवायो जासी प्राण हमारा। आप ऐसो भोजन करवायो मारा प्राण जाई। अब पक्को मने विश्वास होगो मारो पेट फूटी और मैं मरू। नरसिंह जी कहे महाराज मरो वरो कोनी और मरनो तो नितो ये पण अटे कोनी मरो। थोड़े घरे जान मरो अटे बड़े लिजाई कोण मसोणो में। ऊंचा उठो वज्रासन में बैठो और भगवान रो नाम भजो अमार सांस आ जाई। कोकलियों के ऊंचो उठे कुण मारे तो घोट की सीधी वे कोनी। गर्दनी सीधी वे तो ऊंचो उठू वे कोनी ऊंचो उठू कोनी। नरसिंह जी कहो कहीं कोनी हो महाराज सीधा खड़ा हो जाओ। कोकलियों कहन लागो कह कोकलियों सुन नरसिंह जी की टाबर यार उड़ जासी। मारे टाबर उड़ जाए। नरसिंह जी कहो की कर बूढ़ी नार बिबो घर माई उनरे कुण कमासी। एक तो मारी उम्र ज्यादा हुई जब विवाह हो। विवाह होने बाद में 10 साल तक संतान हुई कोनी। मैं पति पत्नी दोनों 50-12 हो जन संतान हुई तो अब टाबर तो छोटा छोटा और मैं तो दोनों बूढ़ा होगा। अब मैं मर जाऊं तो मारी ब्राह्मणी वा बेचारी बूढ़ी लुगई वा कठे कमाण जाई और टाबर वाला कई दशा हुई मारा टाबर उड़ जाए। मने कुण कुमत दे कोण कुबुदी दे जो मैं आप रे अठे आयो। क्यों तो मैं इन जगह आयो। खोटी दशा करम को फेरियो मैं थारे घर आयो। के भाग संजोग बली विधि ऐसी के अजर अन्न मुख पायो। आयो सो तो आयो पर संयोग ऐसो बैठो के ओ अन्न खायो। अब मरू कोई मौत तो आनी है पर मरू नहीं जन कहीं होई। आप भूतोरे मंगायोड़ी मिठाई खाई हूं तो मरने बाद में भूतीज बनो। बिगड़ियो लोक परलोक अधम गति भ्रष्ट कियो रे भाई। के भूत खदेड़ मंगाई मिठाई थे मुई आन खवाई। भूतों मिठाई खड़ाई मारो तो सब जीवन बर्बाद कर दी। नरसिंह जी के महाराज रो मती पेट माते हाथ फेरो और भगवान ने याद करो बिल्कुल ठीक हो। कोकलियों पेट माते हाथ फेरनो शुरू कियो। नरसिंह जी भगवान ने याद किया। थोड़ी देर से वो पेट में जो महाराज बोधनी ज्यादा वृद्धि ही वह एकदम समाप्त होगी। एकदम जोशी जी ने हास आगो कहो महाराज हमें मरु कौन। नरसिंह जी कहते हुए नेचो कर विश्राम करो सो जाओ महाराज ठीक है। जो ही कोकलियों जी इन तरफ लटपट लटपट करता वो जो थेलो हो लाडू भरीड़ो वे मानदास जी ज्ञानदास जी ध्यानदास जी सूरदासों ने वह लाडुओं की खुशबू आएगी।
बे बेचार क्यों लाडू पड़िया है कटे है कि हाथ घुमाओ बा खुशबू आई वट वो थेलो ले और लाडू तो सूरदास जीम का बिनी जगह मोटा मोटा कांकर घाल रख दिया लो वो पेट खा लियो आधी रात हुई जोशी जी मन में विचार कियो भूख लागी है पर भूख लागी तो कोई चिंता वाली बात को नहीं थेलो लाडू भरीड़ो है लाडू खा ले वहां थेले में हाथ गलत लाडू कटे मोटा मोटा डगड़ पड़िया बाढ़ा पड़िया महाराज के आ हा हा भोजन तो मैं कई बार कियो पर ऐसो पेट मारो भारी पलक कदी नहीं अब समझ में आई के दिखण में तो लाडू आ पर मोए बाटा हा बे खाया जन पेट में बाटा होगा अरे अटेन नरसीले रटे तो पानी नहीं पीणो सुबह ऊंचा उठते ही जम सुबह उठते ही कोकुली जी के नरसी जी हमें मन तो थे विदा करो जो को थोड़ो देनो है जो सीख दे दो बेट दो मैं तो जावा नरसी जी कहे यो है जोशी जी पधारो अगर आप इच्छा है तो जाओ मैं आप रे आवा मायरो जरूर भरा और उन समय आप रे जकी सीखे वा दे देवा और अबार अगर रोकड़ चाहिए तो देखो तुम्बा ले जाओ तुम भी ले जाओ गोपी चंदन ले जाओ और राम रजी थैली ले जाओ चोको चाहिए चोको ले जाओ कोकुली के मार तो कोई तुम्बा चाहिए इनको तुम भी चाहिए थे जणा थोड़ा तुम्बा जणे थोड़े आनो है तो आजो मैं तो मारे जाऊं कोकुली जी रवाना होया कुछ दिन बीता है महाराज नरसी जी विचार कियो मायरो तो ले जानो है मालूम है कि परिवार लोग नहीं चालेला फिर भी नरसी जी पीला चावल किया है और घरे बाहर दरी बिछाई परिवार लोगों ने बुलाया और केवन लागा नरसी जी अरे कुंवर बाईरो ब्यावर चो है सब मिल मायरे चालो जी कुंवर बाईरो ब्यावर चो है सब मिल मायरे चालो जी न्यू पात सरदा समकी दो एक कापड़ो घालो से सकल भाई बंद आची बात बिचारी रे सुन कर हसे सकल भाई बंदन आची बात बिचारी श्री रंग के घर रचो स्वयंवर किसी के सरदा हारी सोज बतावे पंचा अगल मिली रे तब नरसी जी सोज बतावे पंचा अगल मिली गंगा गोली गोपी चंदन राम रंज रही तेरी मस कोड़े रे कोई एक बचन मरम का मारे कोई एक मुख मस कोड़े कई मौसा कई मैणा देवे कई थाने कोई कई कोड़े जी।
सी घण काम घरे मारे रे के माधो बख सुन रे नरसी घणो काम घरे मारे सूरदास दस लंगड़ा लूला सोहे नरसी जी सब परिवार है लोगों ने बोला और कहन लगा कि कुंवर बाई को ब्याव रचो छे सब मिल माहेरे चालो भाई मारे दो ही तीरो ब्याह है आप सब लोग मारे साथ माहेरे में चालो न्यू पात सरदासम कीजो पर एक कापड़ो घालो। देखो अपने समाज में एक रिवाज है कि कोई रे घर में महाराज विवाह वे नहीं जने बान घालिया करे नूतो घाले जिने तो आजकल तो लिफाफो होगो और लिफाफो बेखू बनावनो सब बड़ो साधन है। कई कई जगह देखियो लिफाफो तो इतो मोटो 5 रुपये रो लिफाफो मोए 5 रुपया। हमें रोकड़ देवे जने तो ठाई पड़ेगा भाई इतना रुपया है नहीं तो लिफाफो पकड़ा दे। पहले लिफाफो को नहीं पकड़ाता पहले बई ले और बैठता और कलम ले रही एक आदमी बैठतो और कहता साहब फलवान जी ने घरे सो इतना रुपया आप रेटे बोने में इतना रुपया और वह बई संभाल रखता वापस वारे घरे काम पड़तो जन कैसा फलवान जी के कुंकू पत्री आई है तो कैसा बई देखो अपने घरे ब्याह हो जन वोरे वटू कितना रुपया नूतेर आया कैसा 21 रुपया घालड़ा है तो के भाई 21 तो घालना ही है ऊपर नेत करो तो थोड़ी मर्जी है 25 कर दो 31 कर दो नहीं तो 21 तो डालना ही है। नरसी जी ओज कहन लगा कि भाई आप लोगों ने मायरा वर्ण वास्ते गया जने मैं जो मारी तरफ सु दियो वो तो थे देव लाई ऊपर ने यानी उन ऊपर करो तो थोड़ी मर्जी नहीं तो वो तो कम से कम कर दो और वो ही नहीं करो तो कम कम एक कपड़ो तो घालो। बे परिवार लोग कह के ठीक है नरसी जी बहुत बढ़िया बात है मोने कहीं गालना और मोने कहीं नहीं गालना वो तो मोरे पछिरी बात है। श्रीरंग जी रे घरे स्वयंवर है यानी आपरी दोई तीरो ब्याह है तो थे मायरे में कहीं ले जाओ ओ तो मोने बताओ मायरो बढ़िया ले जाओ तो मैं ही चौड़ा वो नाल थे कहीं नहीं ले जाओ मैं पद हाथ इतना हाल कहीं करा। भाई सीधी सी बात है मायरो बन जावे जना कैसा कितना जना आया कैसा 50 जना मायरदार आया हाँ सा अब मायरो बन बैठा थाली में कितना रख गया 2100 रुपया 10,000 तो खा गया है 50 जना तो 2100 रखन बेटी तो खा गा होम ही कहीं न्याल करियो 50 जना आया तो रखिया कितना 51,000 रखे जन तो फेरी कहीं को नहीं तो अपा इतना जना जावा थे रखो कहीं मोने सबों ने बुलाया के मायरे में आ लो पर थे कहीं रखो। नरसी जी के देखो ए तुम्बा ए तुम्बिया ए गोपी चंदन ए रामरज एक कन्ने बैठो तुम्बोर कोई माथे में फोड़ो हगो रे तुम्बा तुम्बी नरसी जी ओ मायरो बरो। नरसी जी के भाई मोर घर में तो वही जी है जड़ो पौन हारू घर है घर हारू पौन है सीधी सी बात पौन वास्ते घर तो है को जड़ी मोर व्यवस्था बेड़ो कर एक जनो मुंडो मचकोले दूजोड़ो अटी मुंडो करे तीजो हसे तो मेना देवे। एक आदमी कहे यो है नरसी जी मोरे घर में तो काम ज्यादा है मो लोगों ने तो समय है कोनी यो करो आप मायरो बन जाओ और ए आप रे ए ओंदान लूलान लंगड़ा बैठा अटे ही हुने कोमरी भीड़ करे बिना मतलब री ऑन ले जाओ नि साथे
ए बेचारा औंदिया जी में खाली लुका रोटा खावे और आई औतरा चीकना हो जाए दो चार दिन मीठा जीवन जीमी तो आन ले जाओ हाथ ले जाओ मीठो जीवन रो कहती सूरदास और कौन खड़ 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 खड़। नरसिंह जी के वाह भाई मर्जी आप लोगों री चालो तो ठीक और नहीं चालो तो आपरी मर्जी कोई बात नहीं। परिवार लोग सब उठ रवाना होया नरसिंह जी वाकों को पत्री हाथ ली है और महाराज जूनागढ़ री बाहरी तरफ पारस पिंपली ही उन पिंपली रे पासों द्वारिका री तरफ रास्तो जाओ थे। पीपल में भगवान वासुदेव रो निवास है। नरसिंह जी उन पीपल रे नीचे आया पीपली रे नीचे आए और वो कागज हाथ में ले और पीपल रे सामी रख और भगवान श्री कृष्ण याद कर और नरसिंह जी केवन लागा अरे आया चे वो सावले सारे सगरा कागज आया चे जी सावले
नरसी जी भगवान ने याद कर कहे सगारा कागद आया छे जी सांबलसा ए सांबलसा ए कानाई सगारे अठे सुआ कुंकू पत्री आई है और साथ में ओ एक डिमांड नोटिस भी है कही है मांग पत्र है सवा पच्चीस मन सोपारी ने रोरी ने अब थने तो ध्यान है के मारे कने तो फूटी कोड़ी कोनी मो पे दाम टको नहीं सोहे मारे कने एक रुपयो भी है कोनी की जो सो आवे दाए आपरे समझ में आवे तो कर दो नहीं ओ कागज लान मैं तो आपरे शरण में रख दियो मेहता नरसी ने कोई नहीं जाने थाने जाने मारा साय मने तो कोई कोनी जाने पर प्रभु आपने तो पूरो संसार पूरो जगत जाने इन कारण ही हरी सगारा कागद आया छे जी सांवरसा मेहता नरसी रे दोहिती जन्मी जिनरो रचो छे विवाह नरसी जी रे दोहिती रो जन्म हो और विरो विवाह है और विवाह रे समय वो माहिरो ले जानो है हे प्रभु भाई बंद सब हंसी करते हैं परिवार लोग मारी हंसी कर रिया है मजाक उड़ा रिया है और किकर ताल बजाए बजाए ताली बजा बजा और मारी हंसी कर रिया है पर एक बात कह दो प्रभु माने हसेला जो थाने हसेला हसी मारी नहीं वेला मारे माते हसी तो वो हसी आपरी होई दीजो मत मान गवाए मारो मान मत गवाइयो हे प्रभु मैं थापरे भरोसे हूं सगारा कागद आया छे जी सांवरसा इन कागद में जो जो सामान लिखियो है वो सब ले और आपने आनो है करुणा निधि प्रभु वारन लाजो ए हरि विवारी तिथि भी लिखी उड़ी है इन कारण आज आप पढ़ ले जो और समय रहते आज जो समय गवा दो मती नरसी जी कागज रखियो गदगद हुआ है नरसी जी ने रोते देख आकाशवाणी हुई अरे नागरिया कई सोच करत हो हे नागरिया हे नरसी जी कई चिंता करो हे नागरिया कई सोच करत हो के हरि भगतन के भगवान तो भक्तों रे अधीन है भक्त वत्सल है प्रभु आप निश्चिंत रहो आपको काम हो कवि लिखे पंथ द्वारिका पीपली धरी पत्री का जाए नरसी जी पीपली में वा पत्रिका रखी है गदगद हो प्रभु ने वाणी सु याद कर कर करुणा नरसी जद फिरियो के जब पतिली ने उठाए नरसी जी करुणा कर प्रभु ने याद कर और जो ही वापस गोमिया है भगवान महाराज उन पत्रिका ने उठाई है और शीश ऊपर लगाई है मैं भगतन के पीछे जाऊं जा जा भगत सिधारे निज चरणन हृदय अंग लगाओ सोधो गात पुराने के युदो संत मुहे अति प्यारे प्रभु के भगत जद मारो बैठो गावे भगत जद मारो बेटो गावे अरे युवो युवो मैं धाऊं भगत जद मारो युवो गावे अरे भगत जद मारो युवो गावे तो मैं दौड़ियो दौड़ियो आऊं क्यों कि मैं भगतों रो दास भगत मारा भगत मणि भगत जारो मारो बैठो गावे जी अरे भगत
तारो दास भगत मारा मुझे टवणी ये बैस की हमें मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब बता क्या करें, क्या प्रॉब्लम क्या तुम लोगों को, दोनों आपस में बात करो, कहीं बता मैं तकलीफ है। वो कहीं कह रही है, ऑपरेटर कहीं कह रही है, वो ऑपरेटर कहीं कह रही है, तो कई बजे हैं इतना ठीक रहा लगा आपके वहां पर कॉलम कम लगाना ठीक है। भगवान अगर प्रभु रे ऊपर कोई विश्वास करे मारा संत लोग कहवे मां जी तो पिता आपरे बेटे सु जितो प्रेम करे नहीं महाराज, बाप आपरे बेटों कितो प्रेम करे, विनसु एक हजार गुणा ज्यादा उन पुत्र सु मां प्रेम करे। संतान माता पिता री है पर उन्हीं संतान सु जितो पिता प्रेम करे उनसु एक हजार गुणा ज्यादा माता प्रेम करे। और ध्यान रख दो जितो मां आपरे बेटे सु प्रेम करे नी उनसु एक हजार गुणा ज्यादा परमात्मा उन जीव सु प्रेम करे। ध्यान आप ओमस सोचो कि भगवान थोर हम जोगे को भगवान कहे भगत जारे मारो यू भोगावे, भगवान के भगत जिन समय मारो बैठो गावे उन समय मैं खड़ो खड़ो आऊं सीधो सीधो चलतो। और भगवान के जद भक्त मारो खड़ो और मन पुकारो शुरू करे तो मैं दौड़तो आऊं, क्यों क्यों मैं भगतोरो दास भगत मारा मुकट मन। कोई बात को नहीं, रात्रि अमृत वर्षा हमें बरस रही है, बैठ जाओ शांति चिंता। नरसी जी जो ही वापस घूमी आए प्रभु आया और वह पत्रिका ले वापस गया है। नरसी जी घर आया बेचार कियो परिवार लोगा सब लोगों मना कर दियो फिर भी अब मायरो तो ले जानो ही है तो ले जाने वास्ते साधन अभी तो बसा है महाराज कारा है जीपा है रेलगाड़ी रो साधन है, पहले ओ कोई साधन को नहीं हो साधन कहीं एकल पुरुष ने जाणो हो तो घोड़ो, दो लोगों ने जाणो हो तो सवारी में ऊंट और चार दस लोगों ने जाणो हो तो बैलगाड़ी। आ ऊंट गाड़ी अबार हुई है 50-60 साल पहले 70 साल पहले, पहले ऊंट गाड़ी भी को नहीं होती, ऊंट घोड़ो और बैलगाड़ी। मायरो बन जानो है तो सामग्री भी है और संत लोग भी है तो बैलगाड़ी चाहिए। अब बैलगाड़ी नरसिंह जी रे पास में तो ही को नहीं तो नरसिंह जी परिवार वालों ने जान केवन लगा नानी भाई रे मायरे रे जो सबसे पहले राग गाई जाती थी जिन्हें मारू राग क्या करे। आ मैं गाऊं जो सुन दो प्राचीन समय में जो संत लोग गाता नरसिंह जी जान के नानी बाई रे मायरा रो भाया जस लो, नानी बाई रे मायरा रो भाया जस लो, नानी बाई रे मायरा रो भाया जस लो जी, नानी बाई रे मायरा रो भाया जस लो रे, मायरे ताला चाबीरा डोले तो दोगी, मायरे चाला छबीरा गाडोली तो दोरी गाडोली
सी देता तो खरी हरी गांडोलियो की तो नरसी देता तो खरी हरी गांडोली होती तो नरसी देता तो खरी हरी गांडोली होती तो नरसी देता तो खरी पेड़ा वारा टूट गया पिछवाड़े पड़ी पेड़ा वारा टूट गया पिछवाड़े पड़ी पड़ोसी उठ बोलिया पेड़ा होता तो खरा वो पड़ोसी उठ बोलिया पेड़ा होता तो खरा वो ये पुठिया वारी फाट गिने टूटिया खरा वो हमारी फाट गिने टूटिया अरा हो ये पुठिया वारी फाट गिने टूटिया खरा वो हमारी फाट गिने टूटिया अरा हो डोली मिल गई रे बेलिया मांगना रिया का डोली मिल गई रे बेलिया मांगना रिया भगत वसन